नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों केबीसी ग्लोबल लिमिटेड के ऊपर दोस्तों, जहां पे दोस्तों वेल्थ डिस्ट्रॉइंग हो चुका है। इस स्टॉक ने बहुत सारे पैसे लोगों के डूबे हैं दोस्तों। पिछले कुछ टाइम की अगर बात की जाए दोस्तों, तो एक साल के अंदर ही दोस्तों 72% की गिरावट आ चुकी है। तो क्या यहाँ पे इस लेवल के ऊपर इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं, वो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और पिछले 5 दिन में वो भी देखेंगे तो दोस्तों 7% की गिरावट है, और एक मंथ के अंदर दोस्तों फ्लैट एक मोमेंटम चल रहा है, यानी कि बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। आज तो बिल्कुल लोअर सर्किट के अंदर ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए उसके ऊपर दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है, और मार्च 2022 का जो होल्डिंग है वो 25.93 है, यानी कि प्रमोटर अपने होल्डिंग बेच रहे हैं। सामने एफआईआई जो है दोस्तों, एफआईआई जो है वो अपने होल्डिंग कंटिन्यूस बढ़ा रहा है दोस्तों। दिसंबर 2020 में जो था 0.28 का होल्डिंग था, और मार्च 2021 में 3.70, जून में 6.18, और सितंबर में 12.09, दिसंबर में 18.44, और मार्च में 21.14। तो अगर यहाँ पे देखिए इलारा अपॉर्चुनिटी फंड है, वो हर क्वार्टर में अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है। इवन नोमोरा सिंगापुर में ने भी अपने होल्डिंग को बढ़ाया हुआ है। इलेम पार्क फंड 3% का होल्डिंग था, वो 6% कर लिया है। यहाँ पे बाकी दोस्तों लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ने अपना होल्डिंग कम किया है, नेक्सपेक्ट ने कम किया है, और यहाँ पे इसकारा इन्वेस्टमेंट ने कम किया। बट बाकी लोगों ने जो बढ़ाया वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ाया है, उसी की वजह से एफआईआई का होल्डिंग हमें बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। डीआईए के पास अब नील होल्डिंग है, डीआईए सब कुछ बेच बाच के चले गए, और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो 52% का होल्डिंग है दोस्तों, जो पहले होल्डिंग था सिर्फ 33% का। और यहाँ पे आप देखेंगे जो बड़े होल्डर है, वैशाली शाह है, वो भी अपना होल्डिंग एवरी क्वार्टर कट कर रहे हैं दोस्तों। सुमित पी देसाई एचयूएफ है, वो भी अपना होल्डिंग कम कर रहे हैं। कुछ लोग कम कर रहे हैं, कुछ लोग बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक के पास काफी अच्छी होल्डिंग है। तो यहाँ पे दुविधा में पड़ जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर की इनको क्या करना चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए फंडामेंटल के ऊपर और भी दोस्तों डिस्कस करते हैं केबीसी ग्लोबल लिमिटेड के ऊपर, जहाँ पे एनएससी का कोड है केबीसी ग्लोबल। पहले तो ये कारदा ग्रुप कंस्ट्रक्शन दोस्तों जो है वही कंपनी है, तो एक कंफ्यूजन ना ही होने का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक ही कंपनी है केबीसी ग्लोबल, वो कारदा कंस्ट्रक्शन से नाम से ही जानी जाती है, और उसके 17 प्रोजेक्ट्स है अंडर कंस्ट्रक्शन और 3 प्लांट प्रोजेक्ट्स है। मार्केट कैप जो है वो 279 करोड़ का है, और डेप जो है वो 89.5 करोड़ का है। अगर दोस्तों स्टॉक के पी की बात करें तो 16 है, और इंडस्ट्री का पी 24.5 है। बुक वैल्यू 2.27 है। डिविडेंड यील्ड भी देखिए दोस्तों, ये पैनी स्टॉक है, वहाँ पे डिविडेंड यील्ड 0.68% है। आरओसी 17.2%, आरओई है 13.2%, और यहाँ पे डेप टू इक्विटी 0.64 है दोस्तों, और ईपीएस जो है 0.28 है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी में दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग कम डाउन हो रहा है दोस्तों, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी डाउन है, प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही ज्यादा कम है, कंपनी ऐसे लो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो 13.70% है। डायबिलिटी अगर देखे गए तो 101 करोड़ का है। अर्निंग्स इंक्लूड अदर इनकम 9.67 करोड़ है। डिविडेंड पे आउट भी बहुत ही लो है दोस्तों, 1.1%, और कंपनी ऐसा हाई डेप्टर्स डे टू 98 डेज है दोस्तों। और पीयर कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो 16 का पी है दोस्तों। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के सामने भी दोस्तों ये थोड़ा सा महंगा है, बाकी दोस्तों जो बड़े प्लेयर है उनके सामने तो दोस्तों छोटी सी कंपनी है, मार्केट कैप की भी बहुत ही छोटा है दोस्तों, 278 करोड़ का ही मार्केट कैप है। क्वार्टर रिजल्ट देखे तो दोस्तों रिजल्ट खराब आया था, और उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट भी आई और नेट प्रॉफिट में भी कमी आई थी दोस्तों। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर बात करें तो दोस्तों पहले भी मैंने बताया इस स्टॉक के ऊपर कि अनइवन थोड़ा सा रहता है, पहले बढ़ जाता है, फिर डाउन होता है, फिर थोड़ा बढ़ता है और फिर डाउन हो जाता है सडनली। तो फिर अनइवन है जो रियल एस्टेट कंपनियों का जैसे रहता है, वैसे ही इस स्टॉक का भी हाल है दोस्तों। बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है वहाँ पे थोड़ी सी कमी हर साल कंपनी दिखा रही है, वो एक एडवांटेज है। और ओवरऑल देखा जाए तो नेट प्रॉफिट है वो 70 का है, और 0.28 का ईपीएस है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हम चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आप एक चीज को दोस्तों समझने की कोशिश, दोस्तों प्रीमियम डीमैट अकाउंट आपको हमारे साथ क्यों ओपन करना चाहिए दोस्तों, उसके 10 आपको बड़े बेनिफिट मिल सकते हैं दोस्तों। एक कि आपको डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल फ्री में खुलेगा। दूसरा कि दोस्तों जीरो ब्रोकरेज का जो ऑफर चल रहा है फॉर ऑल सेगमेंट फॉर फर्स्ट 30 डेज आपको मिलेगा। तीसरा बेनिफिट दोस्तों, जीरो इंटरेस्ट चार्ज ऑन एमटीएफ ट्रेडिंग फॉर 30 डेज।
फर्स्ट ईयर का एएमसी दोस्तों फ्री रहेगा और आपको फ्री वन मंथ का प्रीमियम सर्विस हमारी एंड से दिया जाएगा दोस्तों। और तीन मल्टीबैगर स्टॉक्स फॉर 2022 आपको मिलेगा और फ्री पोर्टफोलियो वैल्यूएशन मिलेगा और एश्योर्ड गिफ्ट वाउचर मिलेगा आपको हमारी तरफ से। लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, जो हमारा वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और आप और डिटेल के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8128405841 के ऊपर। कीजिए कि केबीसी ग्लोबल जहाँ पे दोस्तों हर टाइम डाउन ही आया है स्टॉक, ये आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत टाइम पहले, ये देखिए केबीसी ग्लोबल का चार्ट है, जहाँ पे बहुत टाइम पहले रिलिस्टिंग हुआ था, उससे पहले की बात मैं बोल रहा हूँ, तो उसके बाद दोस्तों ये स्लो बना था 1 रुपये का और उसके बाद स्टॉक ऊपर भी गया था और 22-23 रुपये के आसपास गया और उसके बाद नीचे आया दोस्तों। और जब 10 का लेवल तोड़ा था तब भी बोला था मैंने कि अब यहाँ से अवॉइड कर लेना चाहिए और फिर वहाँ से स्टॉक कंटिन्यूस नीचे आने लगा। अब यहाँ पे कैसी हाल हो चुकी है दोस्तों, जैसे हमने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में देखा वैसा ही सिनेरियो है कि यहाँ पे लो बना रहा है दोस्तों 450 के आसपास। आप देखेंगे यहाँ पे लो देखिए दोस्तों 455 का है, यहाँ पे देखिए दोस्तों लो 460 का है, 4.05 का लो है बट क्लोज देता है 450 के ऊपर। यहाँ पे भी अब लो की बात की जाए तो दोस्तों 465 का क्लोज दिया 4.75 वीकली चार्ट के ऊपर, लो बनाया 455 का और क्लोज दिया 505 का, यहाँ पे भी लो बनाया 460 का और क्लोज दिया 4.65 का। तो ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट के ऊपर स्टॉक चल रहा है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों पिछले 3 वीक का हाई अगर देखेंगे तो 540 का हाई है, यहाँ पे 530 का है और 540 का हाई है। तो ये जो लेवल है 450 से लेके 540 के बीच में ही पिछले 4 वीक से निकल रहा है दोस्तों स्टॉक। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1-2 दिन नीचे गया है और जिस दिन नीचे टूटा है तो फिर नीचे से दोस्तों ऊपर भी बाउंस बैक आया है और दूसरे दिन ऊपर चला गया है। तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट के ऊपर अभी चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों बाइंग का सिग्नल यहाँ पे दिख रहा है और वहां से बाई होके ऊपर जा सकता है। बट दोस्तों मार्केट भी वॉलेटाइल है और सेलिंग प्रेशर अगर आप देखेंगे पिछले 3 दिन का तो वो काफी हाई है इस स्टॉक के ऊपर। तो फिर यहाँ पे मेरे हिसाब से दोस्तों जब यहाँ पे आरबीएल बैंक है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, जैसे बड़े बड़े स्टॉक्स भी दोस्तों अपनी जो रेंज मूवमेंट है उसको डाउन साइड ओपन कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम में बाई कॉल नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक लेवल यहाँ पे नीचे की एंड तोड़े या ऊपर की एंड तोड़े अगर वॉल्यूम के साथ तोड़ा जाता है तो फिर आप उसमें दोस्तों उस तरफ की पोजीशन बना सकते हैं, वहां से आपको बड़ा बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।